आदिवासी अंचल अंजनगांव में टैंकर हादसे में घायलों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे परिवार सहित गांव में मातम पसरा हुआ है। 26 अक्टूबर को हुई घटना के करीब 10 दिन बाद भी गांव के लोग हादसे के बारे में सोचकर सिहर उठते हैं। गुरुवार को आदिवासी संगठन जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा अंजन गांव पहुंचे। यहां घायलों और मृतकों के परिवार से मिलकर उन्हें ढाढस बंधाया। अलावा ने कहा, यह हादसा हृदय विदारक है। जब टैंकर में आग से झुलसने की खबर मिली तो मन दुखी हो गया। परिवार के सदस्य के रूप में आपसे मिलने आपका दुख बांटने आया हूं। परिवार को जो भी मदद कर सकते हैं करेंगे। वहीं घायलों के उपचार के लिए वे इंदौर अस्पताल के चिकित्सकों से भी संपर्क में हैं। वे आशा करते हैं कि सभी घायल जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। डॉक्टर अलावा ने बताया, घायल और मृतक बेहद गरीब परिवार से हैं। उनके परिवार के लोगों का हर दिन पहाड़ सा बीत रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। एक हमारा की एक जोवाई है, एक छोरा है, हाँ तो ये शांत हो गया। एक भर्ती है, एक सिरज है, हाँ वो भी सिरज, हाँ। मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी अगर प्रदेश में एक गाय मरती है तो ट्वीट करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हमारे 13 आदिवासी की मृत्यु हो गई है डीजल पेट्रोल के टैंकर में चपेट में आने से। लेकिन अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना तो इस घटना पे दो शब्द बोले, ना आज तक ट्वीट मारा है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति करना ही उद्देश्य है? आदिवासियों के दुख दर्द, आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के माननीय मुखिया ने और गृह मंत्री जी ने न तो आज तक इस घटना का संज्ञान लिया, ना ही जो डीजल पेट्रोल के अवैध रूप से जो नियमों को ताक में रखकर जो सप्लाई हो रही है और दुर्घटना हो रही है उसके लिए दोषियों पर न तो अब तक सरकार ने कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के प्रति सरकार का आदिवासी विरोधी रवैया है और इसका हम सख्त विरोध करते हैं और मांग करते हैं सख्त लहजे में कि मध्य प्रदेश सरकार खरगोन घटना को संज्ञान में ले, पीड़ितों को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे और अभी जो विकट परिस्थिति परिवारों के सामने खड़ी हो गई है उनके लिए उचित व्यवस्था करे, उनके परिवार का भरण पोषण, उनके शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की सरकार व्यवस्था करे, ये हमारी मांग है। और जो इस मामले में प्रशासन के अधिकारी दोषी हैं, इस घटना में उचित समय पर इलाज नहीं कराए हैं या फिर उचित समय पर सही अस्पताल में नहीं पहुंचाए हैं या फिर इस घटना के लिए जो नियम अवैध रूप से जो नियम विरुद्ध काम किया उनके ऊपर कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। इसके खरगोन जिले में पिछले 26 अक्टूबर को अंजन गांव में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। डीजल पेट्रोल का टैंकर पलटा है और उसकी चपेट में आके आदिवासी समाज के 24 महिला पुरुष बच्चे सब चपेट में आए थे, उसमें से अब तक 13 मृत्यु हो चुकी है और बाकी अभी जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं अस्पताल में इंदौर में। मध्य प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि सबसे पहले तो जो प्रत्येक पीड़ित परिवार को कम से कम 20-20 लाख का मुआवजा दे, पीड़ित परिवार के प्रत्येक सदस्य को कम से कम नौकरी दे और साथ में जो ये अंजन गांव है अभी भी फॉरेस्ट एरिया में है और अभी तक इन गांव वालों को न तो पट्टे दिए सरकार ने अब तक इस घटनाक्रम पे मुख्यमंत्री जी ने न गृह मंत्री जी ने इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी न इस खबर का कोई संज्ञान लिया, न कोई ट्वीट किया। ये दुखद है कि मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासी समाज की इतनी बड़ी दुर्घटना में जब 13 लोग मर गए उसमें एक ट्वीट तक नहीं आया और उस पर अभी तक किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। आपके द्वारा शासन को एक पत्र भी लिखा गया? मध्य प्रदेश शासन को मैंने पत्र लिखकर मांग करी कि प्रत्येक पीड़ित परिवार को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दे मध्य प्रदेश की सरकार और पीड़ित परिवार को नौकरी दे और साथ में जो ये अंजन गांव में जो फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं इनको पट्टे भी दे और साथ में अभी इनका जीवन यापन अभी जैसे किसी घर में कमाई करने वाला उनका बेटा और उनकी बेटी और बहू सब मर गए हैं, किसी घर में बच्चे हैं, किसी घर में ओल्ड एज के बच्चे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन, शिवराज सिंह चौहान जी से मैं मांग करता हूं कि इस घटना की खरगोन में जो प्रदेश की सबसे बड़ी दुखद घटना हुई, इस घटना को संज्ञान में ले और नए सिरे से आप खुद आए यहां पे और एक बार आकर आप खुद भी देखें और पीड़ितों को न्याय मिले, उनको मुआवजा मिले, उनको नौकरी मिले, ऐसी जल्द से जल्द घोषणा करें। ऐसी मध्य प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आशा और अपेक्षा रखते हैं और इस घटना में
जिला प्रशासन ने जो भी लापरवाही इलाज में या इस दुर्घटना होने के लिए जो भी लापरवाह प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, हमारी दूसरी मांग। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं डॉक्टर हीरालाल अलावा, मनावर विधायक, राष्ट्रीय जैव संरक्षण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।